العلا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا محمد المصطفى الرسول المرتزى الولي المجتبى الأمين على وحي السماء منبع الجود والسخاء ومنبع الجود والعطاء وعلى آله وأصحابه مسابيح العلم والهدى ومسابيح التقى والنقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہ وار خطاب اتحاد البر کا The Blessing of Unity پر جاری ہے اللہ جل مجدہ کی توفیق اور احسان سے اور اس کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی اور فکری فیضان سے جب دو بھائی خواہ وہ دین کے اعتبار سے بھائی ہوں خواہ وہ مذہب کے اعتبار سے بھائی ہوں خواہ وہ شریعت کے زاویے سے بھائی ہوں خواہ وہ نسب اور رشتے کے اعتبار سے بھائی ہوں ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں اور الگ ہو جائیں ایک دوسرے سے راہ فرار اختیار کریں اور ایک دوسرے سے ملنا نہ چاہیں تو اسلام نے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ایک اصول بتایا کہ ان کو آپس میں ملانے کا ان کو پھر سے بھائی بنانے کا اور ان کے درمیان دوریاں مٹانے کا اور فاصلوں کو ختم کرنے کا دل سے بغض و عناد کینہ اور حسد نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے سو اللہ جل مجدہ نے اور اس کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا طریقہ کار بتایا بہت عمدہ اور اعلی اور واضح اور وہ کیا ہے وہ ہے سلام السلام علیکم حدیث میں ہے لا يكون لمسلم
अन यह जोरा मुस्लिमन फौक सलासा, कि एक मुसलमान के लिए यह नाजायज है कि वो किसी और मुसलमान को तीन दिन से जायद के लिए छोड़ दे। तीन दिन से जायद के लिए उसे छोड़ना और उसे कुल्लियतन अलग हो जाना, ये कुल्लियतन टोटली हराम है। फ़इज़ा लक़यहू, जब ये मुसलमान उस मुसलमान भाई से मिले जिससे नाराज है, तो राजी करने का, मनाने का और फिर से करीब करने का और दूरियां मिटाने का तरीका यह है, फसल्लमा अलैहि सलास मर्रात, इसको चाहिए कि उसको तीन बार सलाम कहे। अस्सलामु अलैकुम, वो जवाब न दे फिर सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम, फिर भी वो जवाब न दे तो तीसरी बार सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम। ये जो सलाम है ये सलाम मुसालहत है। सलाम मुसालहत का मतलब वो सलाम जिससे मकसूद इनके दरमियान सुलह है, इनके दरमियान दूरियों को मिटाना है, फासलों को मिटाना है और इन दोनों को करीब करना है। एक है सलाम मुलाकात, जब आप किसी से मिलते हैं, सलाम तहियत वो एक बार होता है, अस्सलामु अलैकुम। लेकिन ये सलाम मुसालहत तीन बार है। मुमकिन है कि पहली बार सलाम से उसके दिल में नरमी पैदा न हुई हो, दूसरी बार पैदा हो और वो सलाम का जवाब दे दे। दो बार से नरमी पैदा नहीं हुई, मुमकिन है कि तीसरी बार सलाम से नरमी पैदा हो और वो सलाम का जवाब दे दे। और तीन बार सलाम के बावजूद भी उसने जवाब न दिया, कुल्लुन कुल्लु ज़ालिक ला यरुद्दु अलैय, हर बार इसने सलाम किया और उसने सलाम का जवाब न दिया, न पहले सलाम का, न दूसरे का, न तीसरे का। अब क्या हुआ, फकत बा बि इस्मिही, तो इस सलाम का जवाब न देने वाले की तरफ गुनाह पलट कर आया, इसकी तरफ गुनाह लौटा। अब इसके दो मतलब हैं। एक मतलब यह है कि अगर ये मुसलमान भी सलाम न करता, उससे गुफ्तगू का आगाज न करता, तो वो तीन दिन का जो गुनाह था उसमें ये भी शरीक है और वो भी शरीक है। लेकिन इसने आगाज किया सलाम का, गुफ्तगू का, मुसालहत और सुलह का, तो वो गुनाह जो इसकी तरफ आने वाला था वो अब उसकी तरफ पलट के गया जिसने सलाम का जवाब न दिया। एक मतलब ये है। दूसरा मतलब ये है कि इसने सलाम किया और उसने जवाब न दिया, तो सलाम सुन्नत है, फिर जवाब देना फर्ज है, तो जवाब न देने का गुनाह उस मुसलमान को है जिसने इसके सलाम का जवाब नहीं दिया।
तो इस तरह हुजूर सलाम ने फरमाया फकत बा अब इसमी ही, ये नादान जिस पे उसका मुसलमान भाई सलाम पे सलाम भेजता रहा, इसने जवाब नहीं दिया, गुनाह इसकी तरफ लौटा, अब ये गुनाह इसके जिम्मे है। जिसने सलाम किया, दोस्ती के लिए कदम बढ़ाया, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, वो गुनाह से निकल गया, वो गुनाह से निकल गया, अब इसकी जिम्मेदारी है। अब ये सलाम जब हो तो उस हाल में सलाम हो कि जब दिल में उसके लिए मुनाफकत ना हो, निफाक ना हो। सलाम उस वक्त हो जब दिल में उससे हसद और कीना बोगज़ो इनाद ना हो। सलाम उस वक्त हो जब इसका दिल उस मुसलमान के लिए पाक और साफ हो। सलाम उस वक्त हो जबकि इसके दिल में उस मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए अखुवत, भाईचारगी, ब्रदरहुड और नेकी के और खैरख्वाही के जज्बात मौजूद हों। उस सलाम से क्या फायदा कि सलाम भी हो दिल में बुग़्ज़ो ऐनाद भी हो, सलाम भी हो दिल में अदावत और दुश्मनी भी हो, सलाम भी हो दिल में कीना गाकिन जिसको आप बोलते हैं वो भी हो, सलाम भी हो दिल में हसद और जलेसी भी हो, इस सलाम का क्या फायदा। सलाम उस वक्त होना चाहिए कि जब दिल मोमिन का इन तमाम गुनाहों से, इन तमाम रूहानी अमराज से पाक और साफ हो जाए। तो बता रहा था कि इसने जो सलाम किया ये सलाम मुसालहत है, इससे मकसूद उनके दरमियान सुलह है, दूरियों को मिटाना है। और सलाम तहियत, सलाम मुलाकात, वो एक बार है। इसी तरह फिर एक सलाम इस्तीजान भी होता है, उसका माना यह होता है कि आप किसी के पास जाने के लिए, घर में दाखिल होने के लिए परमिशन चाहते हैं, इज़्ज़त और इजाजत चाहते हैं, तो एक सलाम वो होता है। सलाम वदा भी होता है कि जब आप अलग होते हैं, रुख्सत होते हैं, तो उस वक्त सलाम होता है। सलाम की मुख्तलिफ अकसाम है फिक्ह में और शरीयत में, इश्क और मोहब्बत में सलाम की मुख्तलिफ अकसाम है। एक सलाम वो है जो हम हुजूर सलाम पर पढ़ते हैं, ये सलाम मोहब्बत है, ये सलाम अकीदत है। हर सलाम की एक लिमिट है, मुलाकात का सलाम एक बार है, वदा रुख्सत होने का सलाम एक बार है, इज़्न इजाजत मांगने का सलाम एक बार है, और मुसालहत और दोस्ती का सलाम तीन बार है, लिमिट है। हर सलाम की लिमिटेशन है, हर सलाम की एक हद है, लेकिन हुजूर पे भेजे जाने वाले सलाम मोहब्बत की और सलाम हकीकत की कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। उसमें यह नहीं है कि अगर आपने इतनी बार पढ़ा तो बस अब हद आ गई, इससे आगे नहीं पढ़ना, नहीं। और हुजूर सलाम पे तो सलाम की शान यह है कि जब तक आप नमाज में हुजूर पे सलाम नहीं पढ़ते, सलाम नहीं भेजते, आपकी नमाज नहीं होती। अत्ताहियात में सलाम है हुजूर पर, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, और अत्ताहियात नमाज में वाजिब है, कंपलसरी है। अगर एक शख्स अत्ताहियात नहीं पढ़ता, यानी अत्ताहियात पढ़ लेता है, हुजूर अलैहिस्सलाम पे सलाम नहीं पढ़ता,
तो उसकी नमाज नहीं होती। नमाज ख्वा फर्ज हो, ख्वा वाजिब हो, ख्वा सुन्नत हो, ख्वा नफल हो, अत्तहियात हर नमाज में है। माना यह है कि महबूब पर सलाम हर नमाज में है, ख्वा वो फर्ज हो तब भी महबूब पे सलाम, ख्वा वो सुन्नत हो तब भी महबूब पे सलाम, ख्वा वो वाजिब हो तब भी महबूब पे सलाम, ख्वा वो नफल हो तब भी महबूब पे सलाम। उसकी कोई हद और लिमिट नहीं है। ये वाहिद सलाम है पूरी शरीयत का, पूरे निजाम फिक का, या यूं कहिए कि कुल कायनात और पूरी दुनिया का, जिसकी लिमिट नहीं है। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे हुजूर पे सलाम उतना कम है। जब बाद में नामे अमाल को देखेंगे कि सलातु सलाम पे इतनी नेकियां मिलती है, तो फिर सोचेंगे काश इससे ज्यादा सलाम पढ़ लेते, इससे ज्यादा सलाम पढ़ लेते। तो बता रहा था कि ये हदीस हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताई। इसके अलावा एक और हदीस भी है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुर अखाहु फौक सलास फैजा हजरा फौक सलास फमाता दखल अन्नार। कि मुसलमान के लिए अपने भाई को तीन दिन से ज्यादा के लिए छोड़ देना, उससे अलग हो जाना, उससे जुदा होना, नाराज और खफा हो जाना, ये नाजायज है। और फरमाया कि जब कोई अपने भाई को तीन दिन से जायद के लिए छोड़ देता है और इस हाल में फिर मरता है, दखल नार, तो वो शख्स आग में जाएगा, आग में जाएगा, दोजख में। अब ये बात तवज्जो से सुने कि तीन दिन के बाद भी अगर सलाम कर लेता, सलाम कर लेता, तो ये सलाम उसको दोजख से बचाता। बोलिए किससे? दोजख से बचाता, आग से बचाता। इसलिए फरमाया फैजा हजरा फौक सलास फमाता दखल अन्नार। तीन दिन से जायद का अरसा हुआ, छोड़ दिया, इस हाल में मर गया, यानी सलाम नहीं किया, अपने भाई को मनाया नहीं, नाराजगी दूर नहीं की, खत फासले खत्म नहीं किए, तो आग में जाएगा। अब यहां एक नुक्ता मैं आपको बता रहा हूं, उसको जहन नशीन कर लें, वो ये है कि अगर किसी मुसलमान को सलाम करना उसे दोजख से बचाती है और दोजख के अजाब और आग से बचाती है, तो फिर नबी पे सलाम पढ़ना मोमिन को दोजख से क्यों नहीं बचाएगा? सलाम उम्मती का अगर आलम यह है, उम्मती के सलाम का इनाम यह है कि अगर ये नादान एक सलाम कर लेता तो इस सलाम से आग से बच जाता, तो सलाम उम्मती ये है, तो फिर सलाम नबी का मुकाम कितना बुलंद होगा। इसलिए खुशनसीब हैं वो लोग जिनकी जुबानों पर हर वक्त सलाम ही सलाम होता है, हर वक्त सलाम ही सलाम होता है। अगली हदीस है, हुजूर सलाम ने फरमाया कि मन हजर अखाहु सनतन फहुआ कसफ के दम ही, कि जिसने अपने भाई को, अपने भाई को फौक सलास सना एक साल तक छोड़ा, पूरा साल गुजर गया, उससे खफा है, नाराज है, अलग है, जुदा है, बात नहीं करता, उसके लिए दिल में बुग्ज है, इनाद है, कीना है, उससे हसद है, जलेसी है। इंशाअल्लाह फिर जलेसी पे भी हम खिताब करेंगे, लेकिन ये मैं बता दूं, ये इतनी
अजीब और जलील बीमारी है कि हम वो जमाना देख रहे हैं कि भाई को भाई से जलेसी होती है। यहां तक भी सुनने में आया कि बेटे को बाप से है, बाप को बेटे से है। तो बता रहा था कि बोझ की वजह से, हसद और इनाद की वजह से साल गुजर गया, ये नहीं मिला और नाराजगी खत्म नहीं की, तो फरमाया कि ये ऐसा है जैसे भाई का खून बहाना। क्योंकि साल में तो मौसम खजां भी है, बहार भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है। साल में दूर दराज के मुसाफिर अपने घरों को वापस भी आ जाते हैं। एक लंबा पीरियड है, बहुत बड़ी मुद्दत है। इस मुद्दत में भी अगर इसकी नाराजगी खत्म ना हुई, साल हुआ फिर भी अलग रहे, जुदा रहे, तो ये ऐसा है कि जैसे उसका खून बहाना। जब इंसान जिस्म से खून बहाता है तो जिस्म को तकलीफ होती है, लेकिन जब कोई नाराज होता है फिर बोगस, हिनाद, दुश्मनी, हसद ये सीने में पालता है तो उससे दिल को तकलीफ होती है। और जिस्म की तकलीफ से कई गुना ज्यादा दिल की तकलीफ है, दिल की तकलीफ है। ये तकलीफ भी फकत एक सलाम से दूर हो सकती है। सलाम में इतनी मिठास है, सलाम में इतनी लज्जत है, सलाम में इतनी मिठास और लज्जत है कि ये सलाम मरहम का काम करता है। जब आप सलाम करते हैं तो मतलब ये होता है कि आपने उसके जख्मी दिल पर मरहम पट्टी लगाई है। तो साल गुजर गया फिर भी नादान अलग रहा, तो फरमाया ये ऐसा है जैसे उसका खून बहाना है, उसको अजियत देना, उसे तकलीफ देना है। और जब सलाम की बात आई कि लज्जत सलाम क्या है, तो अगर आप चाहें कि सलाम की लज्जत पूछें, उसकी स्वीटनेस, उसका मजा, मजा सलाम का क्या है, तो फिर आप फरिश्तों से पूछें, मलाइक से पूछें। सही हदीस में है कि सुबह शाम हुजूर सलाम की बारगाह में आसमान से 70,000 मलाइक आते हैं, 70,000, 70,000 मलाइक आते हैं हुजूर सलाम के रोजे अथर पर सलाम के लिए आते हैं। मकसद क्या होता है? सलाम बेचना। 70,000 सुबह को और 70,000 शाम को। तो उन मलाइक से पूछें कि सलाम की लज्जत क्या है कि आप आसमान छोड़कर रोजे अथर मुस्तफा पर सलाम के लिए हाजिर हुए। और फिर जिसको एक बार मौका मिलता है उस फरिश्ते को फिर जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलता, इसलिए कि मलाइक इतने ज्यादा हैं और मलाइक की इतनी कसरत है। और ये गुनाहगार उम्मती पर आका की शफकत है कि बस औकात बार बार बुलाते हैं, यहां भी सलाम का मौका देते हैं और वहां भी सलाम का मौका देते हैं। तो सलाम की लज्जत पूछनी हो तो फिर अहले इश्क से पूछें, अहले मोहब्बत से पूछें, जिनकी पूरी रात सलाम में गुजरती है और जो सलाम पढ़ते वक्त इस तले लरज रहे होते हैं, उनका जिस्म कांप रहा होता है जैसे कि मछली को पानी से निकालते हैं, जिनकी पूरी रातें सलाम पे गुजरती है, पूरी रात। ईशा के बाद आंखें बंद की और गुंबद खजरा सुनहरी जालियों का तस्वुर बांधा, पूरी रात गुजर गई। उस आशिक को खबर नहीं हुई, खबर उस वक्त हुई जब फजर की अजान हो गई। तो सलाम की लज्जतें, इसलिए सलाम को आम करें। बाद सहाबा बाजार जाते थे फकत सलाम के लिए, उनको मार्केट जाकर कुछ खरीदना नहीं होता था, फकत इसलिए जाते थे कि लोग मिलें और उनको सलाम करें। और आपको मालूम है आजकल हम
सलाम में बहुत कंजूस है। हम में से हर एक की कोशिश होती है कि पहले वो सलाम करे, मैं जवाब दूं। हालांकि अफजल ये है कि पहले आप सलाम करें, आप इंतजार नहीं करें कि कोई आपको सलाम करे। और हुजूर अलैहिस्सलाम की तो आदत मुबारक ये थी कि जब बच्चों के पास से गुजरते तो उन बच्चों को भी सलाम करते। उस बच्चों को भी, और हम कहते हैं हमारा उन बच्चों को सलाम जिन्हें आका ने सलाम किया है, जिनकी जिंदगियों में हुजूर ने सलाम किया है, जिन्हें हुजूर ने सलाम बचपन में किया, फिर वो अपने जमाने के आलिम हुए, मुहद्दिस हुए, फकीह हुए, मुज्तहिद हुए, काजी हुए, मुफ्ती हुए, मुजाहिद और गाजी हुए। ये सलाम मुस्तफा की बरकत थी। ये फिर एक अलग मौजू है, कभी खिताब करेंगे, फैजान सलाम मुस्तफा। अल्लाह पाक हुजूर सलाम के तुफैल हमारे दिलों को बुग़्ज़ से, अदावत से, हसद, कीना और दुश्मनियों से पाक करते हैं। वमा अलैना इल्ला